हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप से टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड। इस स्टॉक में देखें तो आज के दिन 5 पैसे की तेजी देखने को मिल रही है और ये स्टॉक आधा परसेंट से भी ऊपर की तेजी दिखाता हुआ ये स्टॉक नजर आ रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आएंगे और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेंड करके चलना चाहिए। सबसे पहले अगर हम इस स्टॉक में टेक्निकल चार्ट की ओर चलते हैं तो इस स्टॉक में कुछ इस प्रकार का चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है, जहां पर इस स्टॉक में एक ऊपरी लेवल से एक बिकवाली होती हुई नजर आ रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक में कुछ इस प्रकार का चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है, जहां पर अगर हम इस स्टॉक की पास्ट की बात करें तो इस स्टॉक में 1 साल में 61% की गिरावट दिखाता हुआ ये स्टॉक नजर आ रहा है। वहीं पर 6 महीने में देखें तो यह स्टॉक 33% से भी ऊपर की गिरावट दिखा चुका है और 1 महीने में इस स्टॉक में 5% की तेजी बनती हुई नजर आ रही है और 1 हफ्ते में यह स्टॉक 4% टूटा भी है। तो अगर हम इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म में देखें तो इस स्टॉक में एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, जहां पे काफी बड़े निवेशकों को या बहुत सारे निवेशकों को आप देखेंगे तो एक ऊपरी लेवल पर इस स्टॉक में फंसे हुए हैं, वहां से इस स्टॉक में उन्हें काफी बड़ा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर हम देखें तो इस स्टॉक में जो चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है वो नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिल रहेगा, जहां पर इस स्टॉक का जो बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है 20 रुपए। 20 रुपए के बाद में इस स्टॉक में लगातार एक गिरावट होती हुई नजर आई और यहाँ पर इस स्टॉक का जो एक बड़ा सपोर्ट लेवल निकल के आता है 8 रुपए 66 पैसे, जहां से इस स्टॉक में एक रिकवरी देखने को मिली और इस स्टॉक ने अपना हाई लगाया अराउंड 10 रुपए 36 पैसे। वहीं से इस स्टॉक में लगातार बिकवाली होती हुई नजर आई और आज के दिन इस स्टॉक में एक खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। तो अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आप इसमें एक स्टॉप लॉस ट्रेंड कर सकते हैं जो कि 9 रुपए 30 पैसे, 9 रुपए 30 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ। ऊपर के शॉर्ट टर्म टारगेट आपको 9 रुपए 70 पैसे और सेकेंड टारगेट 9 रुपए 80 पैसे के देखने को मिलेंगे। ये काफी छोटा पैनी स्टॉक है तो इस पे 10-10 पैसे पर आपको एक स्टॉप लॉस और टारगेट हिट करते हुए नजर आएंगे। तो आपको 10 पैसे के गैप से ही इस स्टॉक में स्टॉप लॉस और टारगेट लेते हुए नजर आएंगे। तो अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आप ये स्टॉप लॉस ट्रेंड कर सकते हैं और इसमें फ्रेश ब्रेकआउट आपको 11 रुपए 60 पैसे के बाद में एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। तो अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आपको एक स्टॉप लॉस के साथ ही इस स्टॉक को ट्रेड करना चाहिए। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।